तो भाई लोग, अगर हम मोटोरोला की बात करें तो एक टाइम था जब हमें मोटो का स्मार्टफोन हर किसी के पास देखने को मिलता था। हालांकि आज भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं साउमी और रियलमी के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। मतलब एक टाइम था जब हमें मोटो की तरफ से बहुत सारे तगड़े स्मार्टफोन देखने को मिलता था, लेकिन जब से साउमी और रियलमी आए तब कहीं ना कहीं मोटो उनसे थोड़ा पीछे रह गया। और उस टाइम पर मोटो जो भी स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा था वो इतना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन नहीं था। लेकिन फिलहाल अभी के टाइम पर मोटोरोला इंडिया के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है और आज हमें मोटो की तरफ से हर प्राइस सेगमेंट के अंदर स्मार्टफोन देखने को मिलता है। और अगर मोटोरोला इस तरह काम करता रहा तो आने वाले टाइम पर मोटोरोला इंडिया का नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड बन सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं मोटो साउमी और रियलमी की तरह महीने में 4-5 स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मोटो ने अपना E32S को लॉन्च किया था जो कि 10,000 का सबसे तगड़ा स्मार्टफोन है। और उसके बाद अगर हम 15,000 की बात करें तो 15,000 के नीचे मोटो ने अभी कुछ दिन पहले अपना मोटो G52 को लॉन्च किया था जो कि अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से एक बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन था क्योंकि उसके अंदर आपको POLED डिस्प्ले देखने को मिला था और स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिला था। और आज हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं ये भाई कल इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है, लेकिन लॉन्च होने से पहले ही ये भाई फ्लिपकार्ट के अंदर लिस्टेड हो चुका है जहां पर मोटो ने ऑलमोस्ट इसका सारा स्पेसिफिकेशन रिवील कर दिया है। और इस स्मार्टफोन का नाम है दाओल न्यू मोटो G82 जो कि अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से एक बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन होने वाला है क्योंकि इसके अंदर भी आपको पहली बार इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बहुत सारे तगड़े फीचर्स देखने को मिलेगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको मोटो G82 के बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसी के साथ आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर दीजिए ताकि सबसे पहले मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप ही को पहुंचे। और पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। Here we go. तो गुरु, सबसे पहले यहां पर अगर हम डिस्प्ले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो अगर आपको लगता है कि यहां पर आपको ग्लास बैक मिलेगा तो आप गलत हो क्योंकि यहां पर आपको वही प्लास्टिक के फ्रेम के साथ प्लास्टिक का ही बैक देखने को मिलेगा। लेकिन भाई डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये एक मोटो का स्मार्टफोन है, इसलिए यहां पर आपको थोड़ा सा प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद अगर हम डिजाइन की बात करें तो क्योंकि ये एक मोटो का जी सीरीज का स्मार्टफोन है, इसलिए यहां पर आपको टिपिकल जी सीरीज की तरह डिजाइन देखने को मिलेगा। मतलब कुल मिला के बात करें तो ये जो स्मार्टफोन है ये आपको पूरा का पूरा मोटो G52 जैसा देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन को साइड बाय साइड रखेंगे तो यहां पर आपको 1% का भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल बात करें तो डिजाइन आपको पूरा का पूरा G52 जैसा देखने को मिलेगा जो कि मुझे थोड़ा सा गलत लगा क्योंकि ये एक नया स्मार्टफोन है, इसलिए आपको थोड़ा सा डिजाइन के मामले में चेंजेस करना चाहिए। लेकिन यहां पर आपको टिपिकल G52 की तरह ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। हालांकि भाई डिजाइन आपको बेकार देखने को नहीं मिलेगा, डिजाइन आपको तगड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन अगर नया होता तो और भी अच्छा लगता। लेकिन उसके बाद अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो लिटरली अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ये जो स्मार्टफोन है इसके अंदर आपको सबसे तगड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यहां पर आपको 6.6 इंचेस का फुल एचडी प्लस वाला पीओलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज के हायर रिफ्रेश रेट के साथ 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलेगा। उसी के साथ ये जो डिस्प्ले है इसके अंदर आपको HDR 10 प्लस सर्टिफाइड मिलता है और उसी के साथ इस डिस्प्ले के अंदर आपको वाइड एंड L1 का भी सपोर्ट भी मिलता है। और प्रोटेक्शन की बात करें तो डिस्प्ले के अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा और उसी के साथ इस बार डिस्प्ले के अंदर आपको बहुत कम बेजल्स देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पर आपको डॉट पंच होल देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको जिस प्राइस सेगमेंट के अंदर देखने को मिलेगा, पहले हमें इस प्राइस सेगमेंट के अंदर 4-5 स्मार्टफोन देखने को मिल चुका है जिसके अंदर आपको यही प्रोसेसर दिया गया है, जैसे कि Redmi Note 11, Moto G71, Realme 9 Pro, इनके अंदर आपको Snapdragon 695 दिया गया था और यहां पर भी आपको Qualcomm Snapdragon का 695 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि एक 6 नैनोमीटर वाला ऑक्टाकोर चिपसेट है जिसके अंदर आपको 2 Cryo 660 वाले कोर्स मिलता है जो कि 2.2 GHz क्लॉक स्पीड पर काम करता है। उसके बाद आपको 6 Cryo 660 वाला कोर्स मिलता है जो कि 1.7 GHz क्लॉक स्पीड पर काम करता है। अच्छे खासे गेमिंग के लिए यहां पर आपको Adreno 619 का GPU भी मिलता है। मतलब ये जो चिपसेट है चाहे आप डे टू डे यूजेस के लिए हो या फिर हार्डकोर गेमिंग के लिए हो या फिर वीडियो रेंडरिंग के लिए हो या फिर किसी भी काम के लिए हो, यहां पर आपको किसी तरह का लैग सटर देखने को नहीं मिलेगा। और अच्छे सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन होने की वजह से मतलब Motorola के स्मार्टफोन के अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है जिसके
वजह से यहां पर आपको कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा। उसी के साथ यहां पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 के साथ देखने को मिलेगा, जो कि भाई बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगर हम राम एंड स्टोरेज टाइप की बात करें तो भाई ऑब्वियसली यहां पर आपको LPDDR4X के राम के साथ UFS 2.1 वाला स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर हम कैमराज की बात करें तो भाई कैमरा इस स्मार्टफोन का मेन हाइलाइटिंग फीचर है, क्योंकि एक टाइम था जब हमें फ्लैगशिप स्मार्टफोन के अंदर ही OIS देखने को मिलता था, लेकिन धीरे धीरे हमें 30 से 40 और 20-25 हजार के स्मार्टफोन के अंदर OIS देखने को मिलता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले Realme 9 Pro Plus आया था, जो कि आपको 25,000 के नीचे देखने को मिला था और उसके अंदर आपको OIS देखने को मिला था। लेकिन फिलहाल आज तक हमें 20,000 के अंदर OIS देखने को नहीं मिला था, मतलब किसी भी स्मार्टफोन के अंदर आपको OIS नहीं दिया गया था जो कि आपको 20,000 के नीचे देखने को मिलता है, चाहे वो Xiaomi की तरफ से हो, Realme की तरफ से हो या फिर किसी भी ब्रांड की तरफ से हो। 20,000 के नीचे आपको किसी भी स्मार्टफोन के अंदर OIS देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 20,000 के नीचे OIS देखने को मिलेगा, जो कि भाई बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर यहां पर अगर हम कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके अंदर आपको जिस तरह का कैमरा सेटअप दिया गया है, और बहुत सारे स्मार्टफोन के अंदर इस तरह का कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है, मतलब इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, लेकिन उसके अंदर आपको OIS दिया गया है, जो कि भाई बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरा की बात करें तो सामने की तरफ यहां पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहां पर OIS होने के बाद भी आपको 4K का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ये भाई मोटो का गलती नहीं है, मतलब ये जो चिपसेट है, मतलब इसके अंदर आपको जो चिपसेट मिलेगा जो कि स्नैपड्रैगन 695 है, उसके अंदर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, इसलिए यहां पर आपको 4K देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर आप OIS के साथ बोथ फ्रंट एंड रियर कैमरा से फुल HD 30fps पे और फुल HD 60fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। लेकिन भाई लोग उसके बाद अगर हम बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें तो भाई प्राइस सेगमेंट के हिसाब से यहां पर आपको बहुत ही तगड़ा बैटरी सेटअप देखने को मिलेगा, मतलब यहां पर आपको 5000 mAh का बहुत ही बड़ा बैटरी देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको POLED डिस्प्ले देखने को मिलता है और स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है और स्नैपड्रैगन का 6 nm वाला चिपसेट मिलता है। और ये सब को देखते हुए मुझे ये लगता है कि ये स्मार्टफोन आपको 5000 mAh के बैटरी के साथ आराम से आपको 1-2 दिन का बैटरी बैकअप निकाल के दे देगा। लेकिन फिर भी अगर आपका बैटरी डिस्चार्ज होगा तो यहां पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स 30 वाट का सुपर फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। चार्ज करने के लिए आपको नीचे की साइड में USB टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलेगा और उसी के साइड में हमारा प्यारा दुलारा 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा। ऑडियो आउटपुट की बात करें तो भाई इसके अंदर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेगा, जो कि इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको बहुत कम स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। और उसके बाद अगर हम बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी की बात करें तो यहां पर एमोलेड डिस्प्ले होने के बाद भी आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है, यहां पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर हम कलर वेरिएंट की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको ग्रे कलर में और व्हाइट कलर में देखने को मिलेगा। सो फाइनली अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि मैं ये वीडियो जिस टाइम पर बना रहा हूं उस टाइम पर ये स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ है, जिसके वजह से मुझे इसका एक्चुअल प्राइसिंग और वेरिएंट्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा तब मैं इसका एक्चुअल प्राइसिंग और वेरिएंट्स के बारे में आपको सब कुछ डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए लीक्स के अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि ये जो स्मार्टफोन है ये आपको इंडिया में 2 वेरिएंट के साथ देखने को मिल सकता है। पहला वाला जो बेस वेरिएंट है वो है 6GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज, और उसके बाद जो इसका हायर वाला वेरिएंट है वो है 8GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज, मतलब इसका कोई भी 256GB वाला वेरिएंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको 128GB कम लगता है तो आप माइक्रो एसडी के साथ इसको 1TB तक एक्सपांड कर पाएंगे। और प्राइसिंग की बात करें तो ये जो स्मार्टफोन है ये ग्लोबली आपको 26,000 के आसपास देखने को मिला है, लेकिन भाई डरने की कोई बात नहीं है, इंडिया में आपको 30-40% कम देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि इसका जो बेस वेरिएंट है ये आपको इंडिया में 17999 में देखने को मिलेगा और जो हायर वाला वेरिएंट है ये शायद आपको इंडिया में 18999 में देखने को मिलेगा। सो गाइस ओवरऑल बात करें तो प्राइस सेगमेंट के हिसाब से नो डाउट ये स्मार्टफोन मोटो की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, जिसके अंदर आपको डिस्प्ले, कैमरा, प्रोसेसर, बैटरी सब कुछ आपको कमाल का देखने को मिलेगा। तो गुरु ये था पूरा कहानी मोटो G82 के बारे में। आपको क्या लगता है ये स्मार्टफोन के बारे में मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो भाई प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कीजिए, और भाई जाते जाते प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।